सारी सड़कों के बारे में जानते हैं, जो असर इस मेरे हल्का इंतखाब में इस सबका दौर में हुआ, ऐसे लगता था जैसे ये कंस्टिट्यूएंसी बिल्कुल लावारिस हो। किन्ने आ रहे हैं? मुझे उस दिन कदबो दिन नहीं कभी भूलता जिस दिन बोर्ड चौक के नीचे लोग इकट्ठे हुए, मुझे भी बुलाया कि डिंगा को कुंजा तहसील के साथ शामिल किया जा रहा है, आए और इनको रोके। मेरे भाइयों, आप ये सोच सकते हैं, मेरे होते हुए हमें किसी की इस तरह की मदद की जरूरत थी। अल्लाह ताला ने मुझे 1987 में मैं बतौर चेयरमैन और 1988 में मैं MPA मुंतखब आप लोगों ने मुझे किया, लेकिन उसके बाद जिला गुजरात की सियासत यकसर हमने बदल दी। बदली इस तरह थी कि यह दो ग्रुपों की हुकूमत इस जिले में चलती थी, एक तरफ चौधरी बिरादरान थे, दूसरी तरफ नवाबजादे और बाकी सब। सूरत हाल ये थी कि हमारे MPA MNA बनने वाले लोग पहले गुजरात जाते थे, फिर लाहौर जाते थे। जब मैं बना तो मेरी बात सीधी अपनी क्यादत के साथ, मैं ये सोच नहीं सकता था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नुमाइंदगी करने के लिए किसी से सपोर्ट मांगू। आप सारे लोग सोए हुए हूँ तो मैं जाग रहा हूँ। मैं रास्ते में गुजरते हुए कोई टूटी हुई सड़क देखूं तो मैं जाके असेंबली के फ्लोर के ऊपर उस सड़क का जिक्र जरूर करता था और कॉल अटेंशन नोटिस के जरिए या असेंबली क्वेश्चन के जरिए उसको मुकम्मल करवाता था। हमारे हॉस्पिटल में कभी एक्सरे मशीन खराब हो तो उसका जिक्र भी असेंबली में होता था। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि आज देखिए, यहाँ ये लगता था जैसे बिल्कुल ये सूरत हाल है कि पता नहीं लोगों से कोई बदला लिया जा रहा है। आप और मैं, हम अमरा कलां से जब निकलते हैं और खड़िया जाने में एक घंटा, सवा घंटा, डेढ़ घंटा, गाड़ी के टायर पंचर, एक्सीडेंट, बहुत कुछ होता। जब ये लोग गए हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को मिला हूं जाके। मैंने कहा आपका भी इसी इलाके से ताल्लुक है, मेहरबानी करके अपने पूरे अख्तियारात इस्तेमाल करें और इस सड़क को मैं और आप मुकम्मल करें। उन्होंने उसी वक्त सेक्रेटरी साहब को बुलाया और उसे कहा कि इस सूरत हाल का जायजा लें और फौरी तौर पर मियाँ साहब के साथ मिलकर इस सड़क को मुकम्मल कर। फरवरी में इस सड़क के लिए फंड खत्म थे, 500 मिलियन फंड अपनी सड़क को। आज देखें जो सूरत हाल यहाँ पे ऑन ग्राउंड थी वो जरा मुख्तलिफ थी, इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो डेवलपमेंट होती रही उसमें इतने हाई दर्जे की करप्शन हुई कि नैब और एंटी करप्शन ज्यादातर गुजरात में ही रहती है और ये ऑफिसर हाईवे वाले काम को हाथ नहीं लगाते थे। मैंने इन्हें कहा जो काम मेरे होते हुए होगा वो आप इस तरह की सड़क बनाएंगे जिस तरह ये लोहे की सड़क बनाई हुई। ये बिलाल साहब यहाँ पे हैं, इनके SDO साहब, XCN साहब, जो काम हमारे दौर में हुआ है उन उसके जाने के बाद आपको यकीन से ये पता होना चाहिए कि आप जिस सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं इंशाल्लाह ताला इसकी गारंटी बहुत दूर तक। ये पैसे आपके हैं, ये पैसा पाकिस्तानी अवाम का है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए और खर्च हो रहा है और जब तक मैं बरसरी इक्तदार रहा हूं होता रहा है इंशाअल्लाह ताला ये होता रहेगा। ये सड़क हम फौरी तौर पे एक माह में, बल्कि एक माह से कम अरसे में, अगर बारिशें जोर ना देती आज नूनावाड़ी के लोग भी सड़क के ऊपर बैठे हुए होते, लेकिन काम वहां पे हुआ है काफी हद तक। अत्तो वाला सारा गांव बाहर है, नूनावाली वाले सारे बाहर हैं, लेकिन जो वो आपके गांव की सूरत हाल देखते थे बेचारे परेशान होते थे। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं जिस मुल्क में भी जाता हूँ लोग मुझे बेपनाह इज्जत देते हैं, जब ये पाकिस्तान आए
तो इनको कुछ ना कुछ बेहतर सहूलतें मिलनी चाहिए। मेरे होते हुए जब ये इस तरफ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिंगा गुजरात रोड थी, ये सड़क मेरे दौर की बनी, ये डिंगा फालिया रोड मेरे को दौर की बनी हुई है, ये डिंगा से लाला मूसा वाली रोड मेरे दौर की बनी हुई है, ये मठुआ वाला से कुंजा रोड ये मेरे दौर की बनी हुई है, मेरे भाइयों डिंगा पाड़िया वाली रोड ये मेरे दौर की बनी हुई तमाम सड़कें हैं। आज देखिए मेरे दौर में हर महीने दूसरे महीने प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, बच्चों के लिए ग्राउंड, मैं आज आप देखिए आपके सामने ये बात रखता हूं, वो बड़ी जरूरी है, इसलिए कि जो लोग वादे करते रहे, जो एक बड़ा प्रोग्राम लेके आए थे, जो इमरान खान साहब ये कहते थे कि ये मदीना की रियासत होगी, मदीना की तर्ज की रियासत होगी, आपने चार सालों में जो उनका दौरे हुकूमत था, आपको कहीं सड़क पे चलता हुआ भी इंसाफ नजर नहीं आया होगा, कि इंसाफ कहीं चलता हुआ भी नजर आया हो। इसलिए मैं उस दौर को याद करता हूं जिसमें मियां शहबाज शरीफ वजीर आला थे और इस जिले के आखिरी गांव तक किसी औरत के साथ ज्यादती होती थी तो उसके बाद पुलिस अलर्ट हो जाती थी, इंतजामिया अलर्ट हो जाती थी, हम लोग अलर्ट हो जाते थे कि अब शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर आके उतरेगा। ये चार साल साइकिल पे जाने वाला वजीर आजम जिस लोग मिसाल देता था साइकिल की, ये हेलीकॉप्टर से प्राइम मिनिस्टर हाउस अपने घर से जाता रहा, कितना फासला। मेरे भाइयों आपके पैसे के ऊपर जिन लोगों ने भी सियासत की है, जिसने इसमें से पैसा कमाया है, आप लोगों के पास वक्त है, इलेक्शन आ रहा है, उससे उस वक्त का हिसाब जरूर। आज यहाँ बजाय इस बात के डेवलपमेंट कराने के लिए लोग आते, ये स्कीमें मुकम्मल होती, आज गुजरात का यौम हिसाब शुरू हो गया है। पिछले दौर में जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुझे मेरे कुलीग मिलते थे, कहते थे मियां साहब ये सारा पैसा गुजरात जा रहा है, मैंने कहा ये सिर्फ गुजरात नहीं जा रहा, जो कुछ हो रहा है सिर्फ परवेज लाई के हल्के में हो रहा है, जहां हल्का खत्म होता है वहां सड़क खत्म हो जाए। आज मैं आपसे पूछता हूं ये डिंगा से मटवा वाला और सीकर वाली कितना दूर है, सीकर वाली तक मेरा हल्का है, वहां तक फिनिश। आप इस तरफ जाएं यही हाल है, आप दूसरी तरफ जाएं पाड़िया वाली रोड पे जाएं, मुगवार रोड पे जाएं, ये सड़कें डिंगा से शुरू होके गई। इंशाल्लाह ताला एक तो ये है इलेक्शन आएगा, तब्दीली आएगी और बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और आपको हक मांगने के लिए बोर्ड चौक में जाना नहीं पड़ेगा, मैं सबरी में खड़ा हूं, मैं अपना हक मांग सकता हूं, आपका हक जिस तरह मैंने मांगा, जिस तरह मैंने आपके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया, इसकी मिसालें मौजूद हैं। मैं कुछ अरसे के लिए एक हफ्ते के लिए बैरून मुल्क चला गया कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, मेरे पास बहुत भी बड़ी असाइनमेंट रही है, मैं वापस आया तो असेंबली में सुबह सुबह मैं टाइम पे जाता हूँ, मैं जा रहा था, एक खातून आगे से आ रही थी, मुझे कहती है रुक जाए आप किधर थे, मैंने कहा मैं यूके में और मुख्तलिफ मुल्कों में, मैं कॉमनवेल्थ में एग्जेक्टिव कमेटी का मेंबर हूं, मुझे मुख्तलिफ मुल्कों में जाना पड़ा। कहती है मैंने आपसे क्यों पूछा है, मैंने कहा बताएं, कहती है मेरी शादी गुजरात में हुई है, आप खड़े होके यहाँ गुजरात का नाम जितनी दफा लेते थे, डिंगे का नाम लेते थे, मैं समझती थी कि इससे बड़ा गुजरात का गैर का कोई नहीं। आपके हकूक के लिए किसी गुजरात के जिला में किसी जगह पे जुल्म हुआ, जो मुझे अखबार का पीस मिला या मेरे पास लोग आए, दूसरे दिन मैंने उसके ऊपर कार अटेंशन नोटिस जमा करवाया। यहाँ जो अपने आप को समझते हैं बड़े बड़े लोग, जब इन्होंने जुल्म किया तो इनके खिलाफ असेंबली में आवाज मैंने बुलंद की, वो आपके वोटों की वजह से, आपकी ताकत भी की वजह से, अल्लाह ताला के फजल करम के वजह से हुई। मैं सिर्फ आपसे देखें जो धोखा हुआ इस कौम के साथ, मियां नवाज शरीफ 2018 में बिजली की लोड शेडिंग खत्म थी,
हमारे पेट्रोल डीजल का रेट क्या था, महंगाई कहाँ थी, लॉलेसनेस कहाँ थी, मुल्क के हालात कितने बेहतर थे, एजुकेशन का रेट कहाँ था, हेल्थ का रेट कहाँ था, हम सब लोग इंसाफ की तरफ मतवज्जो थे। आज चार सालों में मेरे भाई आप जरा देखिए, ये सूरत हाल चलती रही वो ये थी कि इन्होंने इस तरह किया कि कहने लगे कि हमने तो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाने और पाकिस्तान को इस जगह पे लेके जाएंगे कि जैसे हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए हैं। जब हमारा दौर था हमने जो मंसूबे बनाए वो मिसाल है उनकी। देखें, चाहे वो डैम है, चाहे वो मोटरवे है, चाहे वो ट्रेन है, वो पिशावर का मंसूबा हो, वो पिंडी का मंसूबा हो, वो मुल्तान का मंसूबा हो, वो लाहौर का मंसूबा हो, ये